बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाकिस्तान भर के किसानों से मुखातिब हूँ। जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान की ज़राए मईशत तबाह हो चुका है। 3 सालों में जितना इस सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की ज़राए मईशत को नुकसान पहुँचाया है, उतना ही हमारा पूरा मईशत को नुकसान पहुँचाया है। हम समझते हैं कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। हमारा ज़राए मईशत हमारा मईशत का बैकबोन है। अगर हम ज़राए मईशत को खड़ा कर देंगे तो पूरा का पूरा मईशत तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हम पाकिस्तान का चावल, पाकिस्तान का गंदम, पाकिस्तान का चीनी अपना ज़रूरियात पूरा करते थे और बाहर भी एक्सपोर्ट करते थे। इस वक्त हम बाहर से चीनी, चावल और गंदम मंगवा रहे हैं। जब से खान साहब की हुकूमत आया है, किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिल रहा। इनपुट कॉस्ट में इतना इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम की महंगाई की वजह से, चाहे आपका ट्यूबवेल हो, आपका ट्रैक्टर हो, हमारा पिछले मौसम पे, पिछले फसल में पानी ना मिलने की वजह से पैडी क्रॉप को नुकसान हुआ। अब यूरिया का बहरान की वजह से, खाद की बहरान की वजह से हमारा गंदम का क्रॉप को नुकसान होगा। हम समझते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो फार्मिंग है, वो एक बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार। हम समझते हैं कि इस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, किसान का खुशहाली का बंदोबस्त करेंगे, किसान को अपनी फसल की कीमत दिलवाएंगे, तो वही किसान ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान को खिला सकता है मगर दुनिया भर अपना फसल को बेच सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कॉल है, 21 जनवरी से हम लड़काना डिवीज़न और पंजाब का साहिवाल डिवीज़न से शुरू कर रहे हैं। हम अपना किसान भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े होकर एहतजाज करेंगे। फिर 24 जनवरी तक ये एहतजाज इंशाल्लाह ताला मुल्क भर में फैलेगा। हम हर डिवीज़न में इंशाल्लाह अपना किसान मार्च, ट्रैक्टर मार्च करेंगे, किसानों को इश्यूज़ को तवज्जो दिलवाएंगे, इस नालायक ना अहल हुकूमत को एक्सपोज करेंगे और मुतालबा करेंगे कि हम पाकिस्तान की ज़राए मईशत को बचाए, इमरान को भगाए। आपसे अपील है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में पाकिस्तान का किसान का ख्याल रखा है, पाकिस्तान का किसान का खिदमत किया है और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी करेंगे।